सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम बताने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा अंग हमें श्वसन क्रिया में मदद करता है, या फिर हम आप क्या बता सकते हैं कि हम हमारे चेहरे की सुंदरता कौन बढ़ाता है, क्या नहीं रहने से हमारे चेहरे पर सुंदरता कम हो जाती है या लोग उसे बदसूरत कहते हैं। आप ठीक समझ रहे हैं बच्चों, हम नाक की बात कर रहे हैं। नाक, आज के पाठ का नाम नाक की महिमा है। क्या नाम है बच्चों? नाक की महिमा। तो बच्चों, आज के पाठ का नाम नाक की महिमा है और इस पाठ में नाक से जुड़े अनेक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। यह पाठ हास्य व्यंगपूर्ण है। लेखक ने नाक की अच्छाइयों और बुराइयों का लेखा जोखा मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, कुछ लोग समझते हैं अगर नाक ना होता तो कितना अच्छा होता, पर कुछ लोग नाक की चिंता में अपना जीना मुश्किल कर देते हैं। अपनी बेटियों के दहेज में लोग क्या क्या सामान नहीं देते, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन और न जाने क्या क्या, ताकि समाज में उनका नाक बनी रहे, उनका सम्मान बना रहे। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने भी पड़ते हैं बच्चों। नाक जल्दी कटती है और बिना हथियार के ही कट जाती है। अगर मान लिया जाए कि अगर किसी के घर से लड़का लड़की भाग जाती है तो उस परिस्थिति में सारी परिवार की नाक कट जाती है बच्चों। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, अगर नाक में जुकाम हो जाए तो बहुत बुरी मालूम होती है नाक उस अवसर पर। अगर किसी शुभ कार्य में नाक छींक मार दे तो वह अशुभ में बदल जाता है। नाक और छींक को सहेली कहा गया है, पर लोग इसे अकेले ही देखना पसंद करते हैं। जब हमसे कोई भारी बड़ी भूल हो जाती है तो हम सारी हेकड़ी बुलाकर दूसरों के सामने नाक रगड़ते हैं और दूसरे लोग भी हमसे नाक रगड़वाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। गुस्से भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा जाता है। उन्हें जरा सा कहा नहीं कि लोग नाक फुला लेते हैं। नाक की जितनी भी कमियां बुराइयां हैं उससे ज़्यादा उसकी अच्छाइयां हैं। नाक का रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों। नाक चाहे जिस आकार का भी हो पर होनी चाहिए। जिसकी नाक नहीं होती उसे बदसूरत कहा जाता है। लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते। नाक यदि सुंदर हो तो सोने पर सुहागा कहा जाता है। कवियों ने नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे, मोती, जड़ी, नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया जाता है। क्या आप जानते हैं कवियों ने नाक की तुलना तोते से की है, तोते की चोंच से की है। इसे सुनकर मन में बहुत अजीब सा ख्याल आता है। कुछ लोग नाक पर मक्खी बैठने नहीं देती। कुछ लोग नाक सोते समय नाक नकारे सी बजाते हैं, जोर जोर से नाक से आवाज निकालते हैं। और कुछ लोगों के नाक के नीचे कुछ भी होता है उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों को नाक नचवाते हैं। किसी के भी नाक पर मार देना लोग अपनी शान समझते हैं। यदि नाक ना होती तो खुशबू और बदबू का अंतर ही ना पता चलता। इसके अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेकार हो जाते। क्या हम हींग और देसी घी की पहचान कर पाते? कैसे हो पाती अगर नाक ना होता? अगर नाक ना होता तो क्या जानते हैं चश्मा कहाँ टिकता? नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर सुपर्णिका की नाक ना कटती तो रामायण ना होता। यदि महाभारत भी द्रौपदी के नाक के कारण ही हुई थी। तो इस तरह बच्चों, नाक के बहुत से फायदे, नुकसान के साथ साथ उसके फायदे भी हैं। सांस लेने और छोड़ने का काम हमारा नाक ही करता है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है। नाक हीटर का काम करते हैं बच्चों। बाहर की ठंडी हवा को गर्म कर अंदर पहुंचाती है। नाक के बाल छनने और झाड़ू का काम करते हैं। कई लोग अपनी बॉस के नाक के बाल होते हैं। इस प्रकार बच्चों, नाक की बड़ी महिमा है। महिमा मतलब महत्व।
इम्पोर्टेंस, उसकी बड़ी महिमा है बच्चों। तो हमारे पेज नंबर 30 में बहुत से नाक के मुहावरे दिए गए हैं बच्चों, 9 मुहावरे दिए गए हैं, आप इससे वाक्य बनाएंगे। ठीक उसी तरह 31 और 32 पेज नंबर में बहुत सारे अभ्यास कार्य बच्चों दिए गए हैं, जो भी आपने अभ्यास पुस्तिका में और पुस्तक में करेंगे। अब यहाँ आइए और यहाँ देखिए कुछ कठिन शब्द बच्चों। कठिन शब्द, चिंता, छींक, हेकड़ी, कमियों, लौंग, नक्कारसी, इत्रफुलेम, सुपर्णखा, द्रौपदी, ठंडी, ये हमारे कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अभ्यास आप रफ नोटबुक में करेंगे। शब्दार्थ देखिए, चिंता फिक्र, मुश्किल कठिन, बेखबर लापरवाह, अभाव कमी, बॉस मालिक, महिमा महत्व। तो बच्चों आज हमने नाक की महिमा मतलब नाक के महत्व के बारे में जाना और उससे संबंधित बहुत सारे मुहावरे जाने। आप इस पाठ को रोज पढ़ेंगे, प्रतिदिन इसको पढ़ेंगे, तब आप इसकी नाक की महत्ता को जान पाएंगे। धन्यवाद।